ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଚଉବନ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା ଚଉବନଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଅଂଶ ओम नमः शिवाय ब्लॉक नंबर 10 को मुटीडी आपण मानको स्वागत करू छी। आज अच्छु आम गिधालुरे जी कि गोटे टाउन आंध्र प्रदेश रो। आज प्लान है या श्रीशैलम एवं श्रीखरेश्वरम एवं साखी गणपति बुलिबा एवं फास्ट पार्ट रे श्रीशैलम टोटल देखिबे एवं नेक्स्ट पार्ट को कौन आसीबो ना श्रीखरेश्वरम आ साखी गणपति। ओके श्रीशैलम इज लोकेटेड एट 180 किलोमीटर्स फ्रॉम कुर्नूल एंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद एट एटीट्यूड ऑफ ओवर 1500 फुट एबव द सी लेवल। इट इज लोकेटेड इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नीलामाला हिल रेंज। द टेम्पल एट श्रीशैलम इज द एंशिएंट एंड स्क्रैच्ड प्लेस ऑफ साउथ इंडिया। The preceding deity of the place is Brahmaramba Mallikarjuna Swami in the natural stone formation in the shape of lingam and it's listed as one of the 12 Jyotirlingam existing in the country. The temple built in 14th century and the wall are carved with depictions of elephants, hunting scenes and Lord Shiva in different manifestations. Apart from the main temple, there are other places like Srikhareswaram, the Gate of Heaven, Hatakeswaram and Palladhara, Panchadhara, Sakhi Ganapati, Sibaji, Sputikendra and Patala Ganga, चेंचु लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम एंड राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटसेट्रा आर वेल वर्थ फॉर विजिट। द वेरी वेरी नाइस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आर इन द आंध्र प्रदेश। सो लेट्स गो टू श्रीशैलम देन अनदर प्लेसेस। ओके लेट्स गो। थैंक यू। प्राय 40 किलोमीटर घाटी रास्ता क्रॉस करने को पड़ो पूरा सबुज एवं पहाड़िया जगह मजा नाक टोटाल भूलत नहीं। लेट्स सी।
ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏହା ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ଏହା ଆମ ଦେଶର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ଏହା ପାଖାପାଖି 5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବ୍ୟାପିଛି ଏହାର ଏରିଆ 1200 km² ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ପ୍ରକାଶମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁର୍ନୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଣ୍ଟୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଲାଗୁଣ୍ଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେହବୁବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେହବୁବ ନଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓକେ ଏ 5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବ୍ୟାପିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଏବେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେଣି ସେ ସାଇଲାମର ଦେଖନ୍ତୁ ନଜାରା ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାର ମହାତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଥାନ୍ତି ସୋ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପଣ୍ଡିତ ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜାଗାର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ वंदे सूर्य शशांक बन्हि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं सौराष्ट्रे सोमनाथेतं
श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उर्जयिन्ना महाकालम् ओंकालम् ममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ओं वाराणस्येतु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तदे हिमालये तु केदारं दृष्णेश्वचं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातं पठे नरं सप्त जन्मं कृतं पापं स्मरणेन प्रणश्यति। ओं नमः शिवाय। ये होची भगवान ज्योतिर्मय पीठ जो कि श्रीशैलम नाम विख्यात। ये श्रीशैलम होती द्वितीय नंबर ज्योतिर्लिंग जहाँकि प्रथम सौराष्ट्र देश रे श्री सोमनाथ एवं ए जगार श्रीशैलम मल्लिकार्जुन नाम विख्यात। मल्लिकार्जुन इतिहास को पूरा पौराणिक तथ्य आम जी देखा शिवपुराण एवं विभिन्न पुराण मानक वर्णित अच्छी जितेबले सती शिव सती प्रजापति दक्ष द्वारा तिरस्कृत होगा शिव तर शब को धरी विभिन्न स्थान भ्रमण करते भ्रमण करा भितर ए स्थान गर्दन पड़ा ये जो जगार तेणु गर्दन पड़वा जो ये जगटी मल्लिकार्जुन जो जगार तर चौवन खंड पड़ा चौवन टी खंड विखंडित हो जाते तन्मधर ये अंशटी शिव पार्वती अंश यहाँ ज्योतिर्लिंग अच्छा जो जगार ज्योतिर्लिंग अच्छा से जगार माता पार्वती भी अवस्थान रही था तेणु ये जगटी शिव पार्वती उभयंकर मिलन स्थल एवं संगम स्थल एवं कृष्णा नदी कूल ये जो मल्लिकार्जुन पीठ रही अत्यंत पवित्र ए शासन काल रे जिते बड़े कृष्ण जगदेव कृष्ण राम राय जिते से कृष्णचंद्र राय जिते बड़े राजनीति करुले ख्रीष्टाब्दे से कृष्ण नदी कूल ए मंदिर निर्माण पुनरुद्धार करते ए मल्लिकार्जुन किंवदंती पौराणिक तथ्य अनुसार आम जदि देखा ताहले होची जिते बड़े शिवंकर दुई पुत्र जड़े हूँ कार्तिक एवं गणेश ए दुहेकर विवाह अत्यंत रहस्यमय थिला। विवाह समय रे प्रथम कार्तिक कहले मु विवाह करी एवं शिव कहले मु विवाह ए गणेश कहले मु विवाह करी ए दुजणक भितर कहार आग विवाह रहेब से विषय दुजणक भितर कंट्रोवर्सी चलला कलह चलला ए कलह को समाधान करने जितेबले महादेव आसी पहुँची एवं कहले देख जी विश्व ब्रह्मांड को सात बार परिक्रमा करिबो तार आग विवाह एवं तापरे एवं कार्तिक एवं गणेश दुई जन एक तीर्थ भ्रमण रे चतुर् माने सात थर विश्व परिक्रमा करिबा पई बाहरते किंतु कार्तिकंकर जेहेतु थिला मयूर बाहन से भ्रमण करिबा पई बाहरी गले किंतु मूषिक बाहन जे कि गणपति से कौन करे एक चिंता न करी निज पाता पितामाता ए स्थान बसाई ए श्रीशैल ये जो पर्वत अच्छी पर्वत बसाई तांक चतुर्पाश्वर परिभ्रमण करते और प्रथम थर परिभ्रमण कला आसी प्रणाम करतीपरी भाव सात बार परिभ्रमण कर प्रणाम करते और जगटी जितेबले शिव एवं पार्वती संगम स्थान ये स्थान से बसवास करुले जितेबले ए परिभ्रमण सरला कार्तिक आसिक देखते शिवं बह हो रिद्धि सिद्धि सहित तेणु रिद्धि सिद्धि सहित जो बह हो सारी देखि सारी से मनरे विषादग्रस्त हो स्थान को पलिआसिले कार्तिक ए स्थान आसी रहा द्वारा शिव पार्वती मनरे बहुत दुख है शिव और पार्वती दीजन जाक ए स्थान को आसी था अमावास्या दिन प्रति अमावास्या दिन शिव निजे आसती और पूर्णिमा दिन माता पार्वती तांको मनवाई जहाँ को पुत्र को नवापी मान कार्तिक को नवापी आसी था तेणु ये हूँ गोटे रहस्यमय
पौराणिक तथ्य ए तथ्य अनुसार ही ए मल्लिकार्जुन किंवदंती रही। द्वितीय मल्लिकार्जुन होचंती द्वितीय ज्योतिर्लिंग पीठ ज्योतिर्लिंग ज्योतिर् अर्थात शिव शक्ति संगम जो शिव कर जो शक्ति प्रस्फुटित होता है से ज्योतिर्लिंग भाव रे ए सारा भारत रे 12 ज्योतिर्लिंग रही तन्मध्य 108 महादेवंकर अत्यंत पवित्र स्थान जो कि महादेवंकर रही पातालफुटिलिंग तन्मध्यरु ज्योतिर्लिंग भितर ए जो श्रीशैलम अति पवित्र स्थान तेणु शिवंकर जे आराधना करे ए स्थान को जे दर्शन करे तार मुक्ति सुनिश्चित तार शैव लोक प्राप्ति आह पुराण मानक शिव पुराण एवं देवी भागवत लिखित रही। तेणु ये आम कह श्रीशैलम ने जो मल्लिकार्जुन महादेवंकर पूजा हुए ये कृष्णा नदी कूल तेणु कृष्णा नदी अति पवित्र नदी ए पवित्र नदी जलराशि एवं तहार कूल जो माने बसवास करती साधारणतः पवित्र तेणु यही शैव शक्ति मिलन स्थल ए संगम स्थल अत्यंत पवित्र होइथिबारु मल्लिकार्जुन पीठ अति सुमनोहर एवं आकर्षणीय पीठ आम रास्त आसला बेले देखिले केते घाटी पहाड़ दे कि आम अतिक्रम करिचे तेणु ए स्थान होची जो पर्वत प्राय 6-7 पर्वत डेई डेई आम आसला देखिले ये जो पर्वत उपरे जो शिवंकर बास वास्तविक शिव पार्वती संगम स्थल आहर अनीति दूर रे गणपति रही भी दर्शन करिवे एवं कार्तिकेश्वर अछंती जहाकि कार्तिकंकर जो माता रही थिले तेणु से कार्तिक आसी यही स्थान ही बसवास करुथिले तेणु ए स्थान होची अति सुरम्य स्थान पवित्र स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंग भितर अन्यतम स्थान ए स्थान को जो नर मानी दर्शन करितांतर मुक्ति शैव लोक प्राप्ति बोली पुराण मानक वर्णित अछि। जय ओम नमः शिवाय। हरि ओम। तुम्हें जो ये कर तुम खाली इंट्रोडक्शन दब या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। जय भगवती माता पार्वती रामरा देवी। ओम श्री शक्ति सहित प्रभु मल्लिकार्जुनकर जो संगम स्थल ए स्थल भगवती शक्तिपीठ जो गर्दन भगवान भगवती गर्दन पड़ी था तेणु ये पीठटी हूँ शक्तिपीठ ए परम आराध्य पीठ तेणु ये शिवंकर दर्शन सहित माता पार्वती
रामरा देवी दर्शन हुए ये होंगे शक्तिपीठ ए शक्तिपीठर महत्व जेतेबेले शक्ति खंड विखंडित अंश गुड़िक रही भगवान भगवती मस्तक पड़ा गर्दन पड़ा तेणु ए पीठ से जे दर्शन करे मल्लिकार्जुन सहित ए पीठ को दर्शन कले पुण्य लाभ होता है आर कारुकार्यपूर्ण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ए आहार संगम स्थल कृष्णा नदी बही जा कृष्णा नदी अवबाहिका पाखे ये मंदिर मल्लिकार्जुन और पार्वती जो मंदिर ये मंदिर को प्रत्येक अमावास्या महादेव आसी था पूर्णिम भगवती से कार्तिकेश्वर को निज पाख को नेपाई मनवाई कारण जे रुष्ट हो शिव गणेशंकर कार्तिक जो मतांतर होता से रुष्ट हो कार्तिक पलि आसी ये शिव आसी मनईले पाख को नापी ये स्थान हूँ पुराण में वर्णित ये हूँ पवित्र स्थान यठक दर्शन करने शह शह लक्ष लक्ष भक्त आज आसुच्चे स्थान को जे दर्शन कै भगवती माता सहित शिवंर कृपा लाभ हुए जय ओ नम शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव हाँ चलो चलो जगन्नाथ जी बढ़िया दर्शन अरे लास्ट डबल फोर सेवेन नाइन